नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रमुख सचिव को बदल दिया है। मनीष रस्तोगी की जगह अब राघवेंद्र सिंह प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। जनसंपर्क आयुक्त रह चुके हैं राघवेंद्र। शिवराज सरकार में प्रमुख सचिव थे मनीष, शिवराज के करीबी अफसर माने जाते हैं मनीष, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रमुख सचिव बदल दिया है। तो ताबड़तोड़ एक्शन में है नवनियुक्त मुख्यमंत्री। एक तरफ जहां आदेश दे रहे हैं तमाम चीजों को लेकर, वहीं अब प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा फेरबदल किया है उन्होंने। मनीष रस्तोगी की जगह राघवेंद्र सिंह प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। और ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं भोपाल से। ब्रजेश, ये जो बदलाव हुआ है इसके पीछे क्या चीजें हैं और ये क्या पहली शुरुआत है, इसके बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे? निश्चित ही इस चीज़ के रूप में देखा जा सकता है कि ये जो पहला बड़ा बदलाव है, मुख्यमंत्री ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदला है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले मनीष रस्तोगी थे, उनकी जगह राघवेंद्र सिंह को लाया गया है। राघवेंद्र सिंह पहले जनसंपर्क आयुक्त थे और इंदौर कलेक्टर भी रह चुके हैं। काफी लोकप्रिय ऑफिसर हैं, लोगों से अच्छी उसकी रेपो है और बड़े अच्छी रुचियों वाले ऑफिसर हैं जिनकी बड़ी धाक है। और इसके ठीक उलट मनीष रस्तोगी जो थे थोड़े रिजर्व थे, जिसके चलते ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को उन्होंने और लोगों से दूर काट के रखा हुआ था। और दरअसल ये पूरी नियुक्ति होती है जो चीफ सेक्रेटरी होती है उसकी पसंद की। तो राघवेंद्र सिंह को लाके प्रस्तावित किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि एक ऐसा ऑफिसर उनके आसपास रहेगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो लोगों से मिलता जुलता रहेगा, जो लोगों से उनको आसानी से मिलवाएगा। अदरवाइज किसी कार्यकाल में मनीष रस्तोगी के द्वारा यही कहा जा रहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कुछ खास लोगों के इर्द गिर्द ही सीमित कर दिया था। तो निश्चित ही बिल्कुल, यानी कि प्रशासनिक तौर पर जो सुधार मोहन यादव को लगता है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।